पूरी इंडस्ट्री में आए दिन नए गायक आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो छाप छोड़ते हैं और लोगों के बीच धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी ऐसे बना लेते हैं कि आने वाले समय की वो सुपरस्टार बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही गायक और नायक की बात करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या किसी नए की, नहीं जी ये नया नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनके करियर की स्टार्टिंग ही है। वैसे ये खेसारी लाल और पवन सिंह के मिक्सचर हैं। जी हाँ, खेसारी की तरह ठुमके लगाते हैं और आवाज़ इनकी पवन सिंह की तरह है, जो सीधे ही दिल को छू जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं समर सिंह की, जो आजमगढ़ के मेहनगर के हैं। जी हाँ, समर सिंह बहुत ही कम समय में बड़े ही पॉपुलर हो रहे हैं और इन्हें पसंद करने वालों में पवन सिंह और खेसारी दोनों की फैन फॉलोइंग है, क्योंकि इन दोनों का मिक्सर समर सिंह को कहते हैं। समर सिंह निरहुआ की तरह ही, जिस तरह की निरहुआ धोबी गीत गाकर फेमस हुए थे, कुछ उसी अंदाज में ये चैती और भोजपुरी की अन्य प्रथा वाले गीत गाते हैं। हाल ही में इनका थेसर वाला सॉन्ग बड़ा ही फेमस हुआ है और इसने पवन सिंह के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। पवन सिंह के एक गाने को 3.5 मिलियन वन डे में 3.5 मिलियन व्यू मिला था और इससे थोड़ा सा आगे समर सिंह है। उन्हें एक दिन में अपने इसी सॉन्ग यानी थेसर वाले सॉन्ग पर 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं। साथ ही फेसियल वाला सॉन्ग या फिर समर सिंह का कोई भी सॉन्ग हो, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों के बीच खूब फेमस हो रहा है। वैसे समर सिंह खुद मुरीद है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के। समर सिंह भी गायक से नायक बनने वाली प्रथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो भी एक दिन भोजपुरी के सुपरस्टार बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार बनने की हर एक खूबी समर सिंह में है। वैसे आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में समर सिंह खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।